संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज आपका न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो सभी बच्चे अपने बुक में चैप्टर नंबर 3 ओपन करें जहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा स्क्वायर्स के बारे में। अब स्क्वायर्स, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, तो ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब यदि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फाइंड होता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है, नंबर स्क्वायर मीन्स नंबर को 2 times मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ नंबर इज अ नंबर इज टू द पावर 2, पावर 2 लगा दीजिए तो नंबर स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन एवर अ नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो यही मैंने अभी आपको बात बताई थी, यदि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो भी प्रोडक्ट फाइंड होता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। तो देखते हैं आगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया गया क्या। नंबर अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर आर अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1, जहां फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस फाइंड द नंबर्स हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको दो बातें बतानी हैं, पहली कि ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं, और यदि हैं तो किस नंबर की। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ए पार्ट दिया हुआ है 3600, क्या है 3600। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 3600 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड होगा 1800, देन 2 900, 2450, 2225। अब ये 3 से डिवाइड होगा 7 5, देन 3 कितना हो जाएगा 25। इसके बाद 5 से डिवाइड होगा, 5 आया 1। तो अब क्या करोगे, 3600 के आप यहाँ प्राइम फैक्टर लिखोगे। अब आप देखिए कि 2 कितने टाइम्स है, 2 है आपका 4 times, 3 है 2 times और 5 है 2 times। तो 2 लिखिए 4 times, 2 into 2 into 2 into 2, 4 times दिख रहा ना, 1 2 3 4। अब 3 into 3, अब 5 into 5। अब पेयर बनाइए 1 2 3। अब आप देखो कि ये पेयर्स बन जा रहे हैं, क्या बन जा रहे हैं, पेयर्स बन जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये है किसका, तो हर पेयर से एक नंबर लिया जाता है 2 into 2 into 3 into 5। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 4 16। तो यहाँ जो आप फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ लिखोगे यस इट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर 60। तो ये किसका स्क्वायर है, 60 का है। नेक्स्ट 784, देन 100, देन 800, 8100। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये सभी बच्चे कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद
पेयर बना के देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यदि पेयर बन जा रहे हैं तो है, और नहीं है तो फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दीज नंबर्स शुड बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। ए पार्ट है आपका लिखा हुआ 9025। तो यहाँ पर भी काम वही करोगे आप, 9025 के प्राइम फैक्टर करोगे। 9025 फाइव से कैंसिल हो रहा, 1805 देन 5361 और फिर इसके बाद ये आता 19 1। तो जो 9025 के फैक्टर हुए वो क्या हुए, 5 × 5 × 19 × 19 पेयर बन गए। तो 5 × 19 ये आ गया आपका 95। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 95 का। अब जैसे 8000 बी पार्ट में आपका आता है 8000, यहाँ पर भी आप फैक्टर करोगे 4000 2000 1500 250 नेक्स्ट 125 नेक्स्ट 25 देन 5 देन 1। तो जब 8000 के आपने फैक्टर लिखा तो कुछ ऐसे लिखा, 2 को 2 4 6 6 टाइम्स हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो ये देखो पेयर बन रहे हैं, और सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जिसको जिसका पेयर नहीं बना। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसको किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या है, आपका 5 है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है वही नंबर आपका आंसर होता है। ऐसा ही काम इन सभी सम्स में करते जाना है जो भी आगे के सी डी ई एफ पार्ट्स दिए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब क्या करना होता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो डिवाइड वाला है और मल्टीप्लाई वाला है ये दोनों सम्स एक ही जैसे हैं, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ये पार्ट आपका है 700। तो 700 के फैक्टर जब आप करोगे तो 1 4 0 5 से किया 2 8 देन 7 से आ गया आंसर 4 2 and 2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, जब आप 700 के फैक्टर करते हो तो आता है 2 × 2 × 5 × 5 × 7। 2 के पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया। अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 7 का पेयर जो नहीं बना है, अब यहाँ क्या लिखोगे इसका पेयर बनाने के लिए, यहाँ आप लिख दोगे 7। तो जो ये नंबर आपने लिखा तो ये इसका भी आंसर कुछ वैसा ही होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या आया 7, मतलब जो नंबर आपने खुद से लिखा पेयर बनाने के लिए वही उसका आंसर हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है बच्चों, इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लेना प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करते हुए। और आगे का जो भी टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।